ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन आदि ग्रामीण भारत के परिवारों के लिए एक बड़ी आजीविका है। कई किसानों के पास जमीन तो होती है पर पशु न होने के कारण अपना फार्म नहीं चला पाते हैं। इस परिस्थिति में पशु ऋण से फायदा मिल सकता है। कैटल लोन के ऊपर जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता गरिमा दास। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन का व्यवसाय रोजी रोटी का सबसे बड़ा साधन है। इसे व्यवसाय के रूप में अपनाने से किसानों को भारी फायदा हो सकता है। किसान खेती के साथ साथ पशुपालन को अतिरिक्त आय अर्जित करने का साधन बना सकते हैं। भारत में पशुपालन के लिए लोन दिया जाता है, जिसमें मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि प्रमुख हैं। आजकल राष्ट्रीय और ग्रामीण बैंकों के साथ कुछ प्राइवेट बैंक्स भी किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हुए हैं। पशु ऋण के लिए बैंक साधारण व्यावसायिक तौर पे ही इंटरेस्ट चार्ज करती है। यह इंटरेस्ट साधारण 14% से लेकर 16% तक का हो सकता है और यह RBI के शर्तों के मुताबिक चेंज हो सकता है। इसका रीपेमेंट पीरियड जो है वो साधारण 5 साल से लेकर 7 साल तक का हो सकता है। और इस ऋण पे अगर यह पशु ऋण नाबार्ड पुरस्कृत है तो इस पर सब्सिडी की सुविधा भी अवेलेबल है। जनरल कैटेगरी के लिए सब्सिडी ये अराउंड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 25% तक की है और SC ST कैटेगरी के लिए यह टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 33.33% इतनी सब्सिडी मिल सकती है। गांव में पशुओं के रखरखाव के लिए जगह की कमी नहीं होती है। डेयरी का बिजनेस शुरू कर वो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। किसानों के पास एटलीस्ट आधा एकड़ इरिगेटेड लैंड होनी बहुत जरूरी है। अगर लोन 1 लाख रुपए से कम है तो सिर्फ पशुओं को गिरवी रखने की जरूरत होगी, लेकिन अगर लोन 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो पशुओं के साथ साथ जमीन को भी गिरवी रखना जरूरी होगा और उसके साथ ही एटलीस्ट 2 गारंटर देने भी जरूरी होंगे। 15 से 25% तक की मार्जिन मनी भी देनी जरूरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार पशु ऋण लेकर डेयरी व पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे न सिर्फ उनकी कमाई होगी बल्कि उन्हें अपनी आजीविका की तलाश में शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।